I think. ओके फाइनली, सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड. सो चलिए देन, लेट्स स्टार्ट द कंटेंट. देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या देखना है, क्या करना है, पढ़ते हैं उसे. वी विल बेसिकली कंप्लीट द चैप्टर. होपफुली आज के क्लास में आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल गेट कंप्लीटेड. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. ऑलराइट, लेट मी गुड लॉग इन. इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. ऑलराइट, ओके, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलिए आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. हाँ जी, तो पिछले क्लास के अंदर हमने कुछ बात किया था समथिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. आप लोगों ने मुझे कुछ चीजें बताई थी कि कैसे आपका वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे आपका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है. बिकॉज ऑफ दैट स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो सकती है, सी लेवल आपका बढ़ेगा, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होंगे, तो एंड आपका वाटर साइकिल अफेक्ट होगा, रेनफॉल आपकी अफेक्ट होगी. सो नंबर ऑफ थिंग्स आर बीन हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था. दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस, राइट. सो ये सब भी हम देख चुके थे अबाउट द अल्टरनेटिव टू योर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर विंड. उसके अल्टरनेटिव हमने यहाँ पे देखे थे. टाइडल एनर्जी हमने देखा था ओशन में जो हम यूज कर सकते हैं. दैट इज समथिंग वी हैव डन. सिंस कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्मड फ्रॉम बायोमास एडिशन टू कार्बन, दीज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड सल्फर. बिल्कुल, सल्फर नाइट्रोजन H2C सब इसके अंदर काफी ज्यादा होता है जो एटमोसफेयर में आपका जाता है और वो आपके लिए हमेशा रहेगा यहाँ पे हार्मफुल. सी व्हेन दीज आर बर्न्ड, जब इनको आप जलाते हो देन द प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. तो ये सारी चीजें आपकी रिलीज होती है और ये सब चीजें आपकी जाती है एटमोसफेयर के अंदर. तो ये आप ध्यान सकते हो, यहाँ पे यू हैव दिस N2O, NO2, NO, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SO2. ये सारी चीजें आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है जब आप कोल को बर्न करते हो, जब आप फ्यूल को आप बर्न करते हो. अब जब आपकी ये चीजें एटमॉस्फेयर में जा रही है देन उसने क्या करना है आपको, दे विल क्रिएट अ पॉल्यूशन. बेसिकली इनका इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर होगा, राइट. इनका इम्पैक्ट आपका हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा होगा. यू विल फाइंड दैट हैपनिंग. तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा था. ये पता है, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा था अबाउट द साइंटिस्ट हु वाज स्टडिंग द बर्ड्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक और यहाँ पे स्टोरी बताता हूँ. सी होता क्या है कि जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो, जब आप फॉसिल फ्यूल को आप करते हो बर्न, सो व्हेन यू बर्न द फॉसिल फ्यूल, सो इसको जब आप बर्न करोगे तो देखिए आपका एटमॉस्फेयर में क्या क्या आपका आ जाता है. सो लेट्स से आपका एटमॉस्फेयर में आपका यहाँ पे आ रहा है समथिंग लाइक योर SO2, समथिंग लाइक योर NO2, या आपका अगर और एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा है. तो इसके बाद आपको याद रखना है कि जब ये आपका एटमॉस्फेयर में आ चुका है तो ये आपका इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय एटमॉस्फेयर. और बाद में क्या होगा, इट विल मिक्स विद द वाटर वेपर. ये जो भी आपका कंटेंट ऊपर जा चुका है, ये NO2 या SO2, ये आपका वाटर वेपर के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाता है. सो दिस विल गेट मिक्स विद द वाटर वेपर. सो ये आपका मिक्स हो जाएगा, इट विल मिक्स विद वाटर वेपर. अब जब ये वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाता है, जब ये चीज आपकी वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाती है यहाँ पे, तो ये वापस आपके लैंड पे आएगा. इट विल कम बैक ऑन द लैंड इन अ फॉर्म ऑफ योर रेन. ये सारा कंटेंट आपका रेन के फॉर्म में वापस से लैंड पे आ जाता है. और जब ये रेन के फॉर्म में आपका वापस आया तो दिस इज योर रेन, रेन ड्रॉपलेट्स आपके जब आ रहे होते हैं यहाँ पे. सो रेन के साथ साथ याद रखना, आपका SO2 और NO2 आपका लैंड पे वापस आने लगता है. और जब आपका रेन के फॉर्म में ये सारी चीज आपकी वापस आने लगती है, दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर एसिड रेन. इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एसिड रेन. तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है. तो एसिड रेन क्या होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आपका SO2 और NO2 आपका जो भी आप फॉसिल फ्यूल बर्न करें उससे हो जाएगा एटमोसफेयर के अंदर,
और एटमोसफेयर में जाकर ये वाटर वेपर के साथ यहाँ पे हो जाएगा मिक्स, सो इट विल मिक्स विद द वाटर वेपर और बाद में इट विल कम डाउन इन अ फॉर्म ऑफ रेन और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच काफी कम होता है, एसिड की तरह 4 या 3 तक हो सकता है और ये किसी भी तरीके से आपके लिए यूजफुल नहीं है, ये आपके लिए हार्मफुल है। सो यू विल फाइंड एवरीथिंग विल कम अप इन अ फॉर्म ऑफ रेन ऑन द सॉइल। तो इससे डैमेज क्या क्या होगा? इससे डैमेज हो सकती है आपके यहाँ पे सॉइल, सॉइल आपका इसके डैमेज हो सकता है और उसके साथ आपके प्लांट्स यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। सो यू कैन फाइंड योर सॉइल गेटिंग अफेक्टेड। सो सॉइल आपके यहाँ पे डैमेज होती है, राइट? इट कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स यहाँ पे आपके होंगे अफेक्ट और ह्यूमंस तो आपके अफेक्ट होने ही है, ह्यूमंस विल ऑल्सो गेट और ऑल अदर एनिमल्स विल गेट अफेक्टेड ओवर हियर। सो एसिड रेन इस तरीके से बन के आपका आता है। अब ये आपको आपकी आंखों से कभी दिखेगा नहीं, सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट सी देम विद द विजिबल आई, राइट? बट ये आपका इस तरीके से आपका लैंड पे आएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्मफुल थिंग, ठीक है ना? दीज प्रोडक्ट द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर पॉइजनस एंड एट हाई कंसेंट्रेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये सारी गैसेज जो हमने मेंशन किया था ये सारी आपकी पॉइजनस होती है, राइट? और एक अच्छे हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये लाइक आप काफी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, कैन हैव अ सीवियर डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी। और CO2 तो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपका पॉइजनस गैस होता है, लाइक बेसिकली आप अगर कभी कोई चीज जलाते हो ना, पेपर जला रहे हो, वुड जला रहे हो, तो जो गैस निकल रही होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। अगर आपने ज्यादा इनहेल कर लिया देन पर्सन कैन डाई, इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है? बाकी आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट और उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। एक बात याद रखना कि आपने कभी देखा होगा ना कि कहीं पे आग लगती है तो वहां पे लोगों की डेथ होती है, तो बेसिकली जो डेथ होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होती है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पे दे आर कॉट इन द फायर। कई बार फायर में वो कॉट होते भी नहीं है, अटकते भी नहीं है, बट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा होता है कि वो इतना ज्यादा इनहेल कर लेते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड दैट इज वाई दे डाई। ये भी बात आप याद रखना कि रीजन क्या होता है उनके डेथ का, ओके? अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा समथिंग अबाउट माय मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने सब देख लिया कि क्या होते हैं रिसोर्सेज, कैसे हम उन्हें यूज करना चाहिए। अब थोड़ा बात करते हैं अबाउट देयर कि उनका सही में मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। सो वी ट्राई टू सी दैट, ठीक है? सो नाउ लेट्स से यू हैव अ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ योर कार्बन। सो कोल एंड पेट्रोल इज अ वेरी गुड रिजर्वायर ऑफ योर कार्बन, राइट? इफ ऑल दिस कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका यहाँ पे CO2 का लेवल आपका बढ़ेगा। अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने आपको पहले भी पूछा था CO2 अगर बढ़ेगा तो कौन खुश होगा, हु विल बी द हैप्पी इफ द CO2 लेवल गोज हाई? अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ता है तो कौन होगा जो कौन होगा जो CO2 को यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए? प्लांट्स, बिल्कुल, आपके प्लांट्स यूज कर सकते हैं आपके CO2 को अपने फायदे के लिए। एंड बिकॉज प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो जब CO2 का लेवल बढ़ता है तो प्लांट्स तो खुश होते हैं, लेकिन आज के डेट में पता है दिक्कत क्या है? आज की डेट में, आज की तारीख में प्रॉब्लम यह है कि अमाउंट ऑफ CO2 इज वेरी हाई इन द एटमॉस्फेयर। अब क्योंकि आपका अमाउंट ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हाई हो चुका है कि आपके पास लाइक प्लांट्स भी मतलब कितना ही एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है? प्लांट्स आपके पास इतने ज्यादा है नहीं, आप ट्रीज को कट कर रहे हो या डूइंग द डिफॉरेस्टेशन, तो प्लांट्स आपके पास यहाँ पे है कम और CO2 का अमाउंट आपके पास है यहाँ पे काफी ज्यादा। सो दैट इज वाई अपेरेंटली वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है? बट जनरली याद रखना प्लांट्स प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रैपिंग द CO2, ठीक है? इन ट्रैपिंग द CO2, सो उसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, उसे हम कहते हैं एज अ कार्बन फिक्सेशन। तो ये बात क्या रखते हैं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इज अ टर्म विच यू कॉल्ड एज अ कार्बन फिक्सेशन। वेट, आई विल मेंशन यू अहेड। सो उसका मतलब होता है कि आप CO2 को आप ट्रैप करते हो फॉर द लाइक फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स ट्रैप करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ग्लोबल टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ये लोग बता रहे कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। सो दैट इज समथिंग आई ट्राइंग टू टेल यू। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन वन थिंग ओवर हियर, एक सेकंड। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, जनरली ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट इन अ सिंपलर वे। शायद ये बात आपको मैंने पहले बताई नहीं है, हमने ग्लोबल वार्मिंग को कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग आपको डिस्कस नहीं किया है ना आपके साथ, ये बात डिस्कस नहीं हुई ना आपके साथ अभी तक, ठीक
क्लास मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग कैसा होता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है ना अभी तक। नो नो सर सर। नो सर। हाँ जी वही मैं पूछ रहा हूँ, तो चलिए उसे हम देखते हैं। तो समझो यहाँ पे आपका सन है, राइट? सो दिस इज योर सन ओवर हियर। अब सनलाइट आपकी अर्थ पे आ रही होती है, सो लेट मी मेक अर्थ का सरफेस भी यहाँ पे, लेट मी मेक अ क्विक अर्थ का सरफेस। समझिए आपका अर्थ का सरफेस है, राइट? सो जब आपकी सन की रेज आपकी आ रही होती है, सो व्हेन द सन रेज आर कमिंग, समझिए मेरी डार्क ग्रीन कलर की रेज है जो आपकी यहाँ पे आ रही है। सो अज्यूम दैट यू हैव डार्क ग्रीन कलर की रेज सन की जो आपकी अर्थ के ऊपर आ रही है। अब जितनी भी आपकी रेज आ रही होती है ना सन की आपके अर्थ के ऊपर, मेजोरिटी ऑफ देम विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। काफी सारी रेज आपकी होती है यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। सो मेनी ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ द रेज विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है? और काफी सारी जो सन की जो रेज होती है उसको आप एब्जॉर्ब करते हो लैंड के अंदर। सो मेनी ऑफ द सन रेज विल बी एब्जॉर्ब बाय द लैंड, लैंड भी एब्जॉर्ब करता है और आपका वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, जो भी आपकी सन रेज आ रही होती है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द लैंड एज वेल एज बाय द वाटर। अब देखिए होता क्या है, जब आपने सन रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, अब आपका लैंड क्या करेगा? सो दिस इज द लैंड ओवर हियर ना। अब आपका देखते हैं आपका लैंड यहाँ पे क्या करेगा। तो एक बार आपने सन रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, देन योर लैंड इज गोइंग टू रिलीज द हीट। आपका जो लैंड होगा वहां से आपकी हीट रिलीज होगी। सो मैं यहाँ बताऊं आपको डार्क ब्लू कलर से, तो आपके लैंड से आपकी ये हीट आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है? अब ये जो हीट आपकी रिलीज हो रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, सनलाइट आपकी आ रही है, आपका लैंड सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ सनरेज तो वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाकी सनरेज को लैंड एब्जॉर्ब करेगा और ये जो आपका निकल के आ रहा है लैंड में से, इसे हम कहते हैं हीट वेव्स। इसे हम कहते हैं हीट वेव्स, ऐसे मैं कह सकता हूँ आपका यहाँ पे हीट रेडिएटिंग, हीट रेडिएटिंग, ये आपकी हीट निकल के आपकी यहाँ पे आ रही है। अब जब आपके यहाँ पे हीट निकल के रेडिएट हो रही है, तो देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे स्टोरी बनेगी। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनना, सी वॉट विल हैपन। आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास है ग्रीन हाउस गैसेस, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, लेट मी शो यू विद द पर्पल कलर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर यू हैव नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? तो आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर है। सो दीज आर माय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? अब एक बार ध्यान रखना कि ग्रीन हाउस गैसेस होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसका मतलब आपके एटमॉस्फेयर में आपके पास CO2 है, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। सो जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, यू हैव अ CO2, यू हैव योर वाटर वेपर, राइट? और भी कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस आपको मिलती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और उनका होना बड़ा ही एसेंशियल होता है, ये बात याद रखना। ऐसा मत सोचना कि ग्रीन हाउस गैसेस पूरे तरीके से खराब है, इनका होना बड़ा ही जरूरी है। मैं बताता हूँ क्यों इनका होना जरूरी है। अगर आप एटमॉस्फेयर में से सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस निकाल देते हो, अगर कहते हो कि मुझे एक भी नहीं चाहिए, तो आपके अर्थ का टेम्परेचर होगा अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस। ये बात आप समझ लो, अगर आप अर्थ से सारी ग्रीन हाउस गैसेस अगर आप निकाल देते हो, तो याद रखना अर्थ का टेम्परेचर आपका होगा अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पे कोई भी एनिमल या प्लांट जिंदा नहीं रह सकता। तो ये बात याद रखना कि ग्रीन हाउस गैस आपके लिए होती है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये बात आपको याद रखनी कि ये होना जरूरी होता है, इसका लेयर होना आपके लिए जरूरी है। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो हीट है ना आपकी जो यहाँ से निकल रही है, ये हीट आपकी थोड़ी बाहर निकल जाएगी और थोड़ी आपकी रह जाएगी। ये जो ब्लू कलर की जो हीट आपकी निकल रही है सरफेस से, ये कुछ हीट आपकी एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है और कुछ हीट आपके अंदर रह जाती है। तो ये बात याद रखना कि आपकी कुछ हीट जो यहाँ पे होगी, सम हीट ओवर हियर, लेट मी शो यू विद द कलर, सम हीट विल गेट ट्रैप्ड, कुछ हीट को मेरा ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे रोक लेगा और कुछ हीट मेरी यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, ठीक है? दैट इज अ नॉर्मल इवेंट, ये एक नॉर्मल इवेंट है जो आपके अर्थ के ऊपर होता है, राइट? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि अभी हम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे कि यार ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, अभी हम ये टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इवेंट तो नॉर्मल है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग हैपनिंग ऑन द अर्थ, और ये होना भी चाहिए। इसके वजह से, क्योंकि आपकी हीट यहाँ पे रोकी जा रही है, बिकॉज आप यहाँ पे हीट को रोक रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, आपका अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ऐसा है कि आप उसमें रह सकते हो, राइट? क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर आप ग्रीन हाउस गैस को निकाल दोगे देन टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा, तो वो होना जरूरी है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या इतनी स्टोरी आपको समझ आ रही है? इतना समझ लेना कि ग्रीन हाउस गैस होना इज बड़ा ही एसेंशियल। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है
कि ग्रीन हाउस गैसेस की नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया है, या इनका अमाउंट काफी ज्यादा हो गया है। अगर आप सोचो, अब आप थोड़ा सोचो आराम से, अगर मेरा ये जो पर्पल कलर की जो ग्रीन हाउस गैस जो मैंने आप बना के रखी, इनकी लेयर यहाँ पे ज्यादा बन गई, इसकी लेयर और ज्यादा बन चुकी है एंड इट इज अ मच मोर थिकर लेयर। अगर बहुत ज्यादा अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस का लेयर मेरा यहाँ पे बनने लगता है, इफ यू हैव मच मोर थिकर लेयर ओवर हियर, अब आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जो आजकल के टाइम पे आपको देखने के लिए मिल रही है। नाउ बिकॉज यू हैव अ मच मोर डेंसर ए लेयर, अब आपकी लेयर यहाँ पे काफी ज्यादा थिक हो चुकी है, और अगर आपकी लेयर यहाँ पे थिक हो जाती है देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। कैसे बनेगा ये मैटर ऑफ कंसर्न? नाउ व्हाट विल हैपन कि आपकी जो हीट आपकी जो निकल रही थी बाहर, वो आपकी निकल नहीं पाएगी, और क्योंकि आपकी हीट अब वहां पे बाहर निकल नहीं पाएगी तो क्या होगा, ज्यादा ट्रैप करेगी। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आपकी ज्यादा हीट अब यहाँ पे ट्रैप की जा रही है, पहले जितनी हो रही थी उससे काफी ज्यादा ट्रैप की जा रही है, और क्योंकि आपकी ज्यादा हीट यहाँ पे ट्रैप की जा रही है तो इसके वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, आपका ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, याद रखना। तो आपका जो CO2 का लेवल है या ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है अभी फिलहाल एटमॉस्फेयर के अंदर, ये प्रॉब्लम है, और क्योंकि मेरा CO2 का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, सो व्हाट इज हैपनिंग, मोर हीट इज गेटिंग ट्रैप्ड, मोर हीट, ज्यादा हीट आपकी ट्रैप की जा रही है, इज गेटिंग ट्रैप्ड। और अगर आपकी ज्यादा हीट यहाँ पे ट्रैप की जाएगी देन उससे क्या होगा, अल्टीमेटली उससे आपका होगा ग्लोबल क्लाइमेटिक टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। दिस विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू अ राइज इन, दिस विल अल्टीमेटली लीड टू राइज इन ग्लोबल क्लाइमेटिक टेम्परेचर, और आई विल राइट ग्लोबल टेम्परेचर। और अगर आपका यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है इसके वजह से, क्योंकि ज्यादा हीट आपकी ट्रैप हो रही है, तो समझ जाना दैट सिंपली मीन्स योर ग्लोबल वार्मिंग, दैट एक्चुअली मीन्स योर ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इस तरीके से आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। और जब आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा यहाँ पे, राइट? सो इसलिए आप समझे मेरी बात, क्यों ग्रीन हाउस गैसेस को लाइक लोग कह रहे कि ये नंबर बढ़ रहा है इसको कंट्रोल करो, क्योंकि अब ज्यादा थिक हो गई है लेयर, जितनी होनी चाहिए तो उससे 4 times ज्यादा हो चुकी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर इज गोइंग वेरी हाई एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बात आप याद रखना, दैट इज हाउ द ग्लोबल वार्मिंग इज गोइंग टू वर्क, और इससे आपका पूरा प्लैनेट हो रहा है अफेक्ट, पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रही है, राइट? इसलिए कहा जाता है कि आप अपना CO2 का कंजम्पशन कम करिए, यू मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक कार्स, यू ट्राई टू यूज अ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इसलिए ये सब चीजों का आजकल ज्यादा बातें हुई जाती है, करी जाती है, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट द प्लैनेट, ठीक है? तो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद। चलिए, तो यहाँ पे ये पिक्चर जो आपको बता रही है, पिक्चर आपको यही बताने की कोशिश करी कि हमें हमारे रिसोर्स को बचाना है, हमारे प्लैनेट को हमें यहाँ पे बचाना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर रिसोर्सेज एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट अल्टीमेटली, सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, राइट? तो चलिए इसको थोड़ा और हम समझते हैं। सम सिंपल चॉइसेस कैन मेक अ डिफरेंस इन अवर एनर्जी कंजम्पशन, कुछ सिंपल चॉइसेस अगर आप लेते हो तो आपके एनर्जी कंजम्पशन को आपको बिल्कुल यहाँ पे आपकी मदद कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट, जैसे लेट्स सी जियोथर्मल, वाटर, विंड, सोलर, बायोमास, ये सारे आपके ग्रीन एनर्जी है, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ माई ग्रीन एनर्जी, we should choose them, हमें ग्रीन एनर्जी को चूज करना चाहिए ताकि हमें लाइक हम प्लैनेट को बचा सके या प्लैनेट को हम सस्टेनेबल बना सके। देखिए एक बात आप याद रखेगा, सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप तो उसे यूज कर ही रहे हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन भी उसे आप यूज कर पाएगी, आप तो रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हो बट आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज कर पाए, उसको ही हम कहते हैं सस्टेनेबल यूज, तो वो हमें यहाँ पे करना चाहिए। लेट सी दैट, Now let us see some example of simple choices. आप मुझे कुछ simple choices, आप मुझे बताइए कुछ simple choices आपके हिसाब से जो planet को protect करने में आपकी मदद करेगी, आपके हिसाब से what are the simple choices you can make आपके घर में जिसके वजह से आपका planet बचाया जा सकता है, बताइए एक एक करके बोलिए। Replantation, ठीक है, एक आपने बोला यहाँ पे grow plantation, that's a very good answer, ठीक है, और क्या हो सकता है? Controlling carbon emissions. आप वो कैसे कर सकते हो, सिंपल चॉइस ऐसा बताओ जो आपके कंट्रोल में हो, वैसे आप बताओ कुछ जो आप कर सकते हो। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना,
ठीक है। हाँ जी, और कोई एक और बच्चा कुछ कह रहा था, कन्वर्ट नहीं बताइए। करना है ठीक का। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक एक करके। सो एक हो गया आपका यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, और भी कोई कुछ कह रहा था, बताइए। सर बाय सेविंग इलेक्ट्रिसिटी सर ठीक है, यू सोलर लाइट। ठीक है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, घर के बाहर निकल जाओ तो लाइट बंद करके निकलना, दैट इज अ सिंपल वे। यूज सोलर एनर्जी, मूव टू सोलर एनर्जी। ठीक है, और कुछ, और कोई बताना चाहेगा, और कुछ इसके अंदर और क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा। अरे किसी का माइक ऑन है, किसी का काफी जोर से माइक ऑन है। राइट, एनीथिंग एल्स बताइए। बाय सेव यूजिंग वाटर ओके, सेव वाटर, ठीक है। यू कैन मेक श्योर दैट आप वाटर काफी जुडिशियसली यूज करें। सो यस, सो सेविंग वाटर इज सम, फॉसिल फ्यूल्स का सस्टेनेबल यूज। हाँ वाटर का सस्टेनेबल यूज था, दैट्स द सेम थिंग। अबाउट नहीं सर, फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल सर, लेस फ्यूल, लेस यूज ऑफ प्लास्टिक। ओके, लेस यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, लेस प्लास्टिक यूज। हाँ बेटा, वो फॉसिल का आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ गया आपका, सो लेस प्लास्टिक यूज। तो यस, ये आपके कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, दीज आर सम ऑफ द चॉइसेस ओवर हियर। और इन चॉइसेस को अगर आप फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दिस चॉइसेस, श्योरली यू कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। इनके वजह से आपका प्लैनेट के ऊपर आपके यहाँ पे इम्पैक्ट काफी ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। टेकिंग अ बस ओवर यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल और वॉकिंग और साइकिलिंग, बस का इस्तेमाल करना, अपनी खुद की गाड़ी ना निकालना, राइट, दैट्स वन वे। या वॉकिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो। आप में से काफी लोग आई थिंक स्कूल वॉक करके जाते होंगे, सो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, दैट्स वन थिंग कैन बी डन। देन यूजिंग बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स इन योर होम्स। अब बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज करने का फायदा होता है कि ये एनर्जी कम कंज्यूम करती है, ये आपकी एनर्जी करेगी वहां पे कम कंज्यूम, एंड दैट इज वन थिंग यू शुड बी डूइंग। ये सब आपको यहाँ पे करना चाहिए, इससे भी आप प्लैनेट को बचा सकते हो, राइट। CFL यूज करो आप, CFL अगर आप यूज करो तो उससे आप प्लांट को बचा पाते हो यहाँ पे आप, ठीक है, तो इसको अवॉइड करके आप CFL यूज करिए, सो दैट कैन बी डन। देन यूजिंग अ लिफ्ट और टेकिंग अ स्टेयर। अच्छा बताइए, क्या करना चाहिए, लिफ्ट यूज करनी चाहिए या स्टेयर यूज करना चाहिए? अगर, Stairs. और अगर घर 11th फ्लोर पे हो तो सर क्या लिफ्ट लिफ्ट यूज करोगे आप? सर लिफ्ट खरीदने पे होता ही नहीं है होता है बेटा, आप आ जाओ सिटीज में, आ जाओ आप यहाँ पे, यू कम सर, टू, यहाँ पे नहीं होता सर, हिमाचल में नहीं होता है ना अच्छा ये सारी धन्यवाद। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ आपके अंदर आई थिंक सेकंड थर्ड ना, एंड अगर कहीं अपार्टमेंट हो तो शायद फोर्थ तक होता होगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, सर इधर पर्सनल होम्स होते हैं हाँ ठीक है, समझा, लाइक टेनामेंट काइंड ऑफ, यस, कॉटेज, व्हाट डू यू हैव अ टर्म फॉर दैट, में सी, सो यस यू हैव दिस प्लेसेस ओवर हियर। सो बट हाँ, अगर आपका अपार्टमेंट बहुत लाइक वो नहीं है, लाइक बहुत फ्लोर्स नहीं है, देन श्योरली आप अपने स्टेयर्स यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा अगर आपके फ्लोर होते हैं, देन आपको लिफ्ट ही यूज करने का ऑप्शन आपको वहां पे देखना पड़ेगा। सो यार, दैट इज वन ऑफ द थिंग यू कैन डू। ऐसे चॉइसेस आप मेंटेन कर सकते हो, तो लिफ्ट में मत जाना आप लोग कभी भी, चाहे कितना भी फ्लोर पे करो, यू ऑलवेज यूज अ स्टेयर ओवर हियर सो दैट यू कैन कंजर्व द एनर्जी। ये सब चीजें हम कर सकते हैं, कितना लाइक बेसिक बेसिक चीजें हैं। देन अब यहाँ पे आप क्या करना चाहिए, अगेन आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, वेयरिंग एक्स्ट्रा स्वेटर और यूजिंग अ हीटिंग मशीन। क्या हम एक्स्ट्रा स्वेटर एक्स्ट्रा स्वेटर ठंड वो करें या फिर मशीन यूज करें हम लोग, बताइए। ये लोग, तो आप लोग ये एक्स्ट्रा स्वेटर बोलने वाले बच्चे अभी मशीन के सामने बैठे होंगे 100%। ठीक है, सो इवन यू कैन यूज अ सिगड़ी और हीटर, आपको यूज नहीं करना चाहिए कोल्ड डेज में, राइट, यू शुड यूज योर एक्स्ट्रा स्वेटर। नाउ अदर नाउ द थिंग इज ना, अंडरस्टैंड प्लीज वन थिंग, ये सब हमारी जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ लाइक यू कैन ओनली डू इन अ सर्टेन एक्सटेंट तक, राइट। अगर टेम्परेचर बहुत लो होता है, देन एक्स्ट्रा टेम्परेचर एक्स्ट्रा स्वेटर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, देन यस इन दैट केस यू माइट हैव टू यूज अ हीटर, राइट। सो या दैट इज समथिंग, अगेन ये सब सारी कंडीशनल चीजें हैं, कुछ कंडीशन के अंदर आप बिल्कुल हीटर यूज करेंगे, आप यू विल फाइंड अ डिफरेंट वे टू हीट योर सेल्फ, ओके। बट हाँ, अगर कोई माइल्ड अगर ठंडी रहती है तो टाइम पे आप स्वेटर यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर पाओगे।
मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके घर में सब लोग हीटर ऑन करके बैठे हुए हैं और आप जाके बंद कर रहे हो, क्यों? यू आर ट्राइंग टू कंजर्व अ प्लैनेट, दैट इज नॉट अ राइट थिंग बाय एनी मींस, प्लीज डोंट डू दैट, ये ऐसा कभी कुछ करना मत, राइट? सो यस, यू कैन अवॉइड यूजिंग द हीटर, यू कैन अवॉइड यूजिंग द सेगड़ी ओवर देयर, एंड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्वेटर पहन लेना चाहिए, सो दैट इज समथिंग शुड बी डन, ठीक है? All right, then what are the things? The management of coal and petroleum also addresses the efficiency of our machine. देखिए, आप ऐसी मशीन यूज करिए जो वैसे ही आपका पावर को लाइक पावर को कम यूज करती हो या एनर्जी को कम यूज करती हो, तो वैसा लिखा होता है पावर सेविंग गाइड. अगर आप देखोगे ना अपने फ्रिज के ऊपर ऐसा स्टार्स बने होंगे, 3 स्टार, 4 स्टार, सेम फोटो लगा सर, बिल्कुल एक्जेक्टली सेम फोटो आपको फ्रिज पे मिल जाएगा, कई बार वॉशिंग मशीन पे मिल जाएगा, या कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपको मिल जाता है, माइक्रोवेव पे आपको मिल जाएगा सेम पिक्चर, तो आपको बताता है कि वो कितना पावर सेविंग होता है वो, तो आपको वैसा ही कुछ यूज करना चाहिए, राइट? मेक श्योर दैट यू यूज दिस लेबल, ये लेबल को आप देखो और उसके बेसिस पे आप लो, खरीदो. 1 स्टार है तो मत लो, 3-4 स्टार है तो आप ले लो, 5 स्टार है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो उठा के लेनी चलने लगो वहां से. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. सो मशीन यूज करिए जो आपकी पावर कंज्यूम कम करती हो. You know there is something you get in the winters, जिससे हम पानी गर्म करते हैं, you have this immersion rod, you must have seen that, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, there is this immersion rod, जो आप पानी में डाल के इससे आप पानी को गर्म करते हो. Now that is something which consumes a lot amount of energy at times, काफी ज्यादा energy आपको वहाँ पे कंज्यूम करता है, तो कुछ चीजें होती है जो आपकी काफी ज्यादा energy कंज्यूम कर सकती है, तो आपको वैसा यूज नहीं करना है. कोई आप मुझे डिवाइस बता सकते हो जो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करती होगी, एनीथिंग यू कैन टेल मी, सोच के. हीटर, हीटर कंज्यूम करता है, बिल्कुल हीटर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, हीटर आपका बहुत ज्यादा आपके एनर्जी कंज्यूम करेगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका. और कुछ? एनीथिंग एल्स? सर आयरन करता है, आयरन का नॉर्मल रहता है, गीजर करता है, गीजर भी काफी ज्यादा आपका एनर्जी कंज्यूम करता है, गीजर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? फिर इमर्शन रॉड भी आपका कंज्यूम करता है, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. तो आप ऐसा कंज्यूम चीजें आप मत करो जो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता हो, ठीक है? तो आपको करना वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. फ्यूल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द इंटरनल कंबशन इंजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो फ्यूल को यूज कर, अब कोल वाले आपके इंजिन तो कम ही बनते हैं, अभी इतने ज्यादा यूज नहीं किए जाते वो वाले कोल वाले, बट यस पहले के टाइम पे काफी यूज किए जाते थे, तो देख सकते हो कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट, राइट? ये देखिए आदमी क्या कर रहा है. आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल आपके काफी एडवांस इंजिन होते हैं, सो यू डोंट हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स, बट यस की जाती थी पहले चीज है. देन यू कैन सी फैक्ट्रीज में से आपका यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स बाहर आ रहे हैं, वो लड़की के हाथ में क्या है और आप उसे देख के क्या कह सकते हो कि इसे कौन सी बीमारी हुई हुई है, बताइए. एनीवन? सर अस्थमा. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. सो लड़की को यहाँ पे अस्थमा होने का दिख रहा है आपको, बिकॉज शी इज यूजिंग अ नेबुलाइजर, जिसको हम इवन कहते हैं लाइक इनहेलर की तरह भी हम उसे बोलते हैं, राइट? सो यस यू कैन फाइंड कई सारे पोल्यूटेंट्स आपके एटमॉस्फेयर में आने के वजह से आपकी कई सारी बीमारी आपको हो सकती है. अस्थमा बेसिकली आपका होता है, इट्स अ एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा इज गोइंग टू बी योर एलर्जिक रिएक्शन, ये बात याद रख लेना, ये आपका बेसिकली यहाँ पे आपका होता है एक एलर्जिक रिएक्शन. मतलब ये मत सोचना कि अगर किसी आपके फ्रेंड को अस्थमा है तो आप उसके पास में आके नहीं बैठ सकते, आपको भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता. ये कुछ लोगों को ही होता है और उन्हें कुछ लोग वो जो लोग होते हैं उनको किसी चीज की एलर्जी होती है और उससे उस चीज से उन्हें अस्थमा का अटैक आता है, और जब भी उन्हें अस्थमा का अटैक आता है सो दे फाइंड इट डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, और वो टाइम पे वो लोग ये इनहेलर यूज करते हैं, दैट इज व्हेन दे आर गोइंग टू यूज दिस नेबुलाइजर, जिससे वो आराम से फिर ब्रीथ कर पाते हैं. तो ये बात आप याद रखना, दैट इज समथिंग यू कैन नो ओवर हियर. तो ये हो गया आपका यहाँ पे. रिसेंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फील्ड कंसंट्रेट्स ऑन एंश्योरिंग कंप्लीट कंबशन इन दिस इंजिन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड आल्सो रिड्यूस एयर पोल्यूशन. देखिए कई बार क्या होता है ना, काफी चीजें सही तरीके से बर्न नहीं होती, काफी चीजें पूरे तरीके से बर्न नहीं की जाती, तो अगर वो अनबर्न चीजें जो होती है ना बेटा, वो कई बार आपका प्रॉब्लम क्रिएट करती है. दोज अनबर्न थिंग्स आर गोइंग टू गेट इन टू द एटमोसफेयर एंड दे आर नोन टू कॉज यू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, तो इसलिए उन्हें बर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप सब लोग जानते हो आज की डेट में सबसे ज्यादा पोल्यूशन आपको कौन सी सिटी में मिलता है देखने के लिए?
सर मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटीज राइट, यार दिल्ली आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है। आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे राइट, और मेट्रो सिटीज में जनरली पोल्यूशन ज्यादा ही होता है। जहां पे भी इंडस्ट्रीज नहीं होती ना वहां पे पोल्यूशन कम होता है। हिमाचल देख लो आप, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप देख लो, वहां पे कोई भी इंडस्ट्री वहां पे नहीं है। यू गो ओवर देयर इट्स लाइक अ पोल्यूशन फ्री एरिया राइट। सो बेसिकली इंडस्ट्रीज होना गलत नहीं है, बट इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना चाहिए। जो भी वो रिलीज करे एटमोसफेयर के, अगर वो रेगुलेट कर पा रहे हैं देन इतना पोल्यूशन नहीं होगा। बट दैट इज अ कंसर्न, वो ये कंसर्न है जिसको डील करना है आप लोगों को फ्यूचर में। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो एन ओवरव्यू ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो याद रखना दैट इज व्हाट योर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअली मींस राइट। आपको सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ डिफिकल्ट टास्क, बिल्कुल ही डिफिकल्ट टास्क है आपका यहाँ पे, बट आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। एंड आपको ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपका प्लैनेट वैसा ही रहे जैसा अभी है, ताकि आप उसे यूज कर पाओ सही तरीके से, ठीक है। सो यू इट ऑल्सो मीन्स यू हैव टू कंजर्व द एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको एनिमल्स और बर्ड्स को भी आपको कंजर्व करना रहेगा, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है उनका कंजर्वेशन, सो दैट इज समथिंग ऑल्सो यू शुड नो राइट। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए स्पेसिफिकली, शायद मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई थी या शायद या नहीं बताई थी, आप कुछ चीजें बनाते हो, यू मेक समथिंग लाइक अ नेशनल पार्क, यू हैव अ नेशनल पार्क एंड यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाई जाती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसी तरीके से आप एक और चीज बना सकते हो नेचर में जाके, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बायोस्फेयर रिजर्व, बायोस्फेयर रिजर्व। तो बायोस्फेयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये जो आपके यहाँ पे तीन टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो तीन टर्म्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे राइट, दे आर बेसिकली एरियाज और हैबिटेट जहां पे आप कंजर्व करते हो आपके फ्लोरा और फोना को। तो इस एरिया के अंदर आप क्या करते हो, यू डू द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब फ्लोरा एंड फोना का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरा मतलब आपका यहाँ पे हो गया प्लांट्स एंड फोना मतलब यहाँ पे आपका हो गया एनिमल्स। सो फ्लोरा एंड फोना को आप यहाँ पे कंजर्व कर सकते हो, प्लांट्स एनिमल को आप यहाँ पे कंजर्व कर सकते हो। आपने कुछ नेशनल पार्क के नाम सुने होंगे आपने, आई थिंक ये मैंने पहले भी मेंशन किया था, लाइक योर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के अंदर है, देन आपका एक है काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपको मिलता है आपके आसाम के अंदर। सो दे आर ऑल हैबिटेट्स जहाँ पे आप अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हो। रणथंभौर, रणथंभौर कौन से स्टेट में, वो राजस्थान राइट। फिर एक और आता है आपका गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, गुजरात, गुजरात। और क्या मिलता है आपको, वहां पे आपको मिलते देखने के लिए आपके एशियाटिक लायंस, वो आपको इंडिया में और कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। तो आप एक और बात यहाँ पे समझिए, एज अ पार्क मैनेजर अगर आप सोचें, जब आप ये नेशनल पार्क बना रहे हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बना रहे हो, तो आप एनिमल्स को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे इवन प्रोटेक्ट कर रहे हो आपके फॉरेस्ट को, क्योंकि इन एरियाज के अंदर डिफॉरेस्टेशन अलाउड नहीं होता। सो याद रखना इन एरियाज के अंदर डिफॉरेस्टेशन आपका मतलब फॉरेस्ट को कट करना इन एरियाज के अंदर अलाउड नहीं होता, या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वो आपका प्रोहिबिटेड होता है, प्रोहिबिटेड। आप में से कोई है जिसको बड़े होके IFS ऑफिसर बनना है या फॉरेस्ट ऑफिसर बनना है, एनी वन ऑफ यू? नो वन, चलो ठीक है। सो याद रखना जो फॉरेस्ट मैनेजर्स जो होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये लोग फॉरेस्ट को बचाते हैं ताकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ना हो। सो जब आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बनाते हो, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हो, वहाँ पे आपका ट्री कटिंग नहीं होता। सो दैट्स हाउ यू ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, दैट्स हाउ यू ऑल्सो प्रोटेक्ट द कम्प्लीट इकोसिस्टम। आप पूरे इकोसिस्टम को वहाँ पे बचा पाते हो और पूरे एनवायरमेंट को आप वहाँ पे बचा पाते हो। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंस ओवर देयर राइट। सो ये चीज भी आप वहाँ पे मेंटेन करते हो। नाउ In addressing the issue, we need to keep an open mind with regards to the interests of various stakeholders. आपको काफी चीजों का ध्यान में रखके ये सब करना पड़ता है। आप यहाँ पे देखो, देख सकते हो यहाँ पे आपके ट्री का कटिंग हो रहा है। ट्री का कटिंग करना गलत बात नहीं है, बट अगर आप हद से ज्यादा कर रहे हो, then that's a problem.
और आजकल के डेट में हद से ज्यादा ही हो रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि आपका ये सब आपको करना, लाइक हमेशा देयर इज गोइंग टू बी डिमांड, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिमांड फॉर एवरीथिंग, सो दैट इज व्हाई दे आर डूइंग ऑल द ट्री कटिंग एंड दैट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द फॉरेस्ट, राइट? सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट पीपल विल एक्ट विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट एज अ प्रायोरिटी। याद रखना, लोग हमेशा अपने एंड से सोचेंगे, अपने फायदे के हिसाब से सोचेंगे, राइट? सो दैट इज सम, दैट इज द ट्रूथ कि लोग अपनी प्रायोरिटी पहले रखते हैं, बट वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, हमें दूसरे एनिमल्स प्लांट्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोटेक्ट दिस ऑल दोस थिंग्स, और एल्स व्हाट विल हैपन, सब कुछ यूज हो जाएगा, सब यूज हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है? By the realization that such selfish goal will lead to a misery for the large number of people and total destruction of our environment is slowly growing. याद रखना, अगर हम बहुत selfish हो गए, हमने ज्यादा trees, ज्यादा सब चीजों को कट करना चालू कर दिया, ज्यादा यूज करना चालू कर दिया रिसोर्सेज को, then ultimately सब vanish होगा ultimately, right? And that is what right now it is a concern, वो जो हो रहा है। अगर आपने कभी यमुना नदी को देखा होगा तो कभी आप ऑब्जर्व करना, it लग लग अगर आपने उसे पिक्चर भी अगर आप उसकी देखी होगी तो पूरा फोम 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 होता है उसके ऊपर, ऐसा लगता है पूरे क्लाउड बने हुए हैं यमुना नदी के ऊपर, अगर आप दिल्ली से ऑब्जर्व करते हो तो, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। कभी आप पिक्चर देखा, इट एक्चुअली लुक्स लाइक यमुना के ऊपर कैसे क्लाउड्स फ्लोट करे, वो एक्चुअली फोम होता है, और जो फोम होता है उसके ऊपर, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। सो बड़ी ही लाइक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है कुछ एरियाज के अंदर ऐसे रिवर्स की, and that is not good by any means, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अच्छा मुझे बताओ लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये राइट साइड में जो लोग हैं आपको क्या लग रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, what they are doing? सर पेड़ लगा रहे हैं। हाँ जी, वो पेड़ लगा रहे हैं, बिल्कुल सब लोग मिलके। See, I tell you one more thing over here, पेड़ लगाना is not a big thing, पेड़ लगाना is not a big thing, उस पेड़ को आप सस्टेन या उस पेड़ का ध्यान रखना जब तक वो एक स्टेबल हाइट अटेंड नहीं करता, वो बड़ी बात होती है। तो काफी बार पता है लोग क्या करते हैं, लाइक दे विल जस्ट कम टुगेदर, दे विल कीप अ स्मॉल प्लांट एक जगह पे लगा देंगे एंड कहानी खत्म, दैट्स इट। वैसा नहीं होता, आप 10 ट्रीज लगाओ तो, लेकिन उसके जो इनिशियल डेज होते हैं उस ट्री के, जहाँ पे लाइक इनिशियल 2-4 महीने होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ता है उसका, यू हैव टू गिव देम वाटर, ध्यान रखो कि उसको कोई लाइक डैमेज नहीं कर रहा, तब वो काउंट होता है, तब वो एक्चुअली में आपको फायदा देगा। और एल्स अगर आप पेड़ लगे अगर छोड़ दोगे ना वहां पे, देन क्योंकि इतना सारा लाइक डिस्टर्बेंस हो रहा होता है आसपास से, देन द प्लेट द ट्री माइट नॉट इवन सर्वाइव, सो दैट इज आल्सो समथिंग यू विल अंडरस्टैंड टाइम के साथ साथ। अच्छा, लेफ्ट साइड में लोग क्या कर रहे हैं? चलो राइट साइड वाले लोग तो पेड़ लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर बनाना कट कर रहे हैं पेड़ों से। राइट, वही लग रहा है, वही लग रहा है, बनाना कट कर रहे हैं, एंड नाउ दे विल बी यूजिंग दैट। दोनों ही एरियाज को देख के साफ पता चल रहा है कि ये हमारे कंट्री का नहीं है सिचुएशन, सो दैट इज फ्रॉम सम अदर कंट्री। बट रियलाइजेशन दैट सच सेल्फिश गोल विल लीड टू मिजरी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एक फॉरेस्ट था राइट हैंड साइड पे, पूरा खत्म हो चुका है, एंड यू कैनॉट चेंज। आई ट्राई टू शेयर विद यू, अगर मुझे टाइम मिलता है तो, एक कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको एक्चुअली में देखने को मिलता है कि कैसे आज से 10 साल पहले ग्लेशियर्स थे और अब वहां पे पूरा ऐसे लाइक लैंड 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 है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं। यू हैव सम सच वेरी गुड वेबसाइट, आई विल ट्राई टू शो यू समडे, मैं यहाँ पे आपको क्लास में दिखा दूंगा, दैट यू कैन एक्चुअली सी। उन लोग मॉनिटर कर रहे हैं उन एरियाज को, और उनको वहां पे देखने के लिए मिल रहा है कि पिछले 10 सालों में कितना ग्लेशियर मेल्ट हुआ है, एंड यू कैन एक्चुअली सी दैट कि पहले इतना था और अब करके इतना वहां पे कम हो चुका है। दैट इज अ कंसर्न, अलार्मिंग चीज है ये सब जो हो रहा है, राइट? So a total destruction of our environment is slowly growing. ये सब हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे you can see giraffe वहाँ पे like it has died. So it is all picture of all the destruction which has been happening throughout the planet. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, going beyond laws and rules and regulations. आपको laws, rules और regulation के beyond क्या है, we need to tailor our requirement. हमें हमारे requirement को वापस से देखना पड़ेगा, क्या यूज करना है क्या नहीं करना, उसके तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा लॉज और रेगुलेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, हमें हमारे एंड से कुछ करना पड़ेगा, तभी हम इस एनवायरनमेंट को हम सही तरीके से हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कारपूल करना. कारपूल करना मतलब अगर ऑफिस जा रहे हो, सबको ऑफिस एक ही रास्ते पे, तो सब एक ही कार में जाओ. क्यों आप चार कार निकाल के जाओगे वहां पे रेस करते हुए? टेक वन कार, डू द कारपूल, गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दैट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग वन शुड बी डूइंग, राइट, जिससे आप एनवायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो. हिमाचल में ये अच्छी बात है कि आप मोस्टली जो चीज होती है वो आसपास ही होती है, तो आप ऑन फुट आप जा सकते हो. हाँ, थोड़ा दूर जाना हो तो आप बाइक वाइक यूज करते हो या बस यूज करते हो, बट जनरली मोस्ट थिंग्स आर वेरी नियर बाय. आई हैव सीन दैट मेनी पीपल इन हिमाचल जनरली प्रेफर वॉकिंग. दे वॉक एंड दे वॉक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लाइक डिस्टेंस ऑफ टी डिस्टेंस के लिए. लाइक आप देख लेते हो कि लोग वहां पे आराम से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल लेते हैं काफी आराम से. मैंने इवन देखा है कई सारे स्कूल के बच्चे होते हैं जिनका स्कूल 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर होता है, वो आराम से चल के जाते हैं और चल के वापस आ भी जाते हैं. एंड नॉर्मल होता है यहाँ पे, वही यहाँ पे काफी नॉर्मल होता है. एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एज वेल, राइट. यहाँ पे लोग नहीं करते, यहाँ पे अगर किलोमीटर छोड़कर 800 मीटर भी दूर जाना हो तभी लोग बाइक निकालते हैं एंड दे टेक आउट देयर स्कूटी ओवर हियर. तो यहाँ के अगर मैं कंपेयर करूँ, 15 इयर्स के बच्चे अगर मैं वहां से उठाता हूँ हिमाचल से, कलेक्टिवली इफ आई टेक 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम हिमाचल ऑफ 15 इयर्स ऑफ एज, और मगर यहाँ से उठाता हूँ, आई कैन हैंड्स डाउन आई कैन से दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन द ओवर इन दिस पर्टिकुलर एरिया. दीज पीपल कैनॉट वॉक, यू कैनॉट फाइंड देम वॉकिंग फॉर 2 किलोमीटर्स और लाइक फॉरगेट 2 किलोमीटर इवन फॉर 1 किलोमीटर, राइट, विच इज वेरी कॉमन एट योर प्लेस. नाउ इट नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट बट इट इज ऑल्सो हेल्दी ऑन अ पर्सनल स्केल. वो पर्सनल लेवल पे भी वो काफी ज्यादा हेल्दी होता है. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू लर्न ओवर देयर. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग विच आई हैव सीन ओवर देयर. ओके, सो दैट द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट रीच एवरीवन नाउ एंड फॉर ऑल द जनरेशन, ताकि जो बेनिफिट आपको मिले वो सबको मिले यहाँ पे, एंड इट रीचेस द ऑल द जनरेशन. सो दिस इज वॉट यू गेट टू अंडरस्टैंड. ये सब चीजें हम यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपके यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे हमने काफी सारी चीजें देखी, सुनी, समझी, एंड होप करते हैं कि कुछ चीजें हम लोग खुद से यू करना चालू करेंगे. वी विल डू फ्यू थिंग्स फ्रॉम अवर एंड जिससे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट. एंड इट्स नॉट लाइक कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, इवन एट माई स्किल ऑल्सो इट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट, राइट. एंड या दैट शुड बी डन, it should be done so that you can conserve the environment. So yahan pe aapka hota hai chapter khatam. So ye wala chapter bhi hamara yahan pe ho jayega khatam. So now which chapter is remaining, bataiye kaun sa chapter hamara baki hai ab iske baad, boliye. Abhi start nahi karenge lekin at least chapter ka naam bataiye, which chapter is now remaining right now. Sare ho gaye, sare chapter khatam. Role and coordination. वो नहीं हुआ था क्या बेटा स्टार्टिंग में जब हिलन मैम थे, तब नहीं हुआ था क्या वो चैप्टर? सर वो नहीं हुआ था, सर नहीं हुआ था. हे, ओके 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 ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था. ऑलराइट देन, फिर यही करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक, तो ये चैप्टर तो काफी अच्छा है, इसमें हम बात करेंगे हार्मोन्स और अलग अलग चीजों के बारे में, हम लोग यहाँ पे बात कर पाएंगे. इट्स वेरी गुड चैप्टर, इंटरेस्टिंग है चैप्टर काफी एक तरीके से देखा जाए तो. सो वी विल हैव अ लुक एट दैट. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, राइट. तो आप मुझे पहले आप ये बताइए कि यहां तक जो भी हमने यहां पे इस चैप्टर किया था, क्या सारी चीज आपको समझ आ रही है? यस यस सर, यस सर. एक सवाल है तो मेरा आप सब हैंड रेस करके आंसर करेगा मुझे इसका. मुझे बताइए अगर ग्रीन हाउस गैसेस मैं प्लैनेट से हटा दूं तो आपका टेंपरेचर कितना होगा? हैंड रेस करके आपको आंसर देना पड़ेगा यहां पे. यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस. रुकिए रुकिए बेटा रुकिए, चलिए हैंड रेस. आपने यहां पे कुछ लोगों ने यहां पे क्या हुआ है बताइए आस्था, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे अगर ग्रीन हाउस गैस वगैरह निकालूंगा तो क्या होगा टेम्परेचर आपके अर्थ का? -50 डिग्री सेल्सियस ये होगा मेरा यहाँ पे टेम्परेचर आपके प्लैनेट अर्थ का. और अगर ये आपका टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, दैट्स नॉट सस्टेनेबल, आपकी लाइफ नहीं रह सकती यहाँ पे. ठीक है, एक और चीज मुझे बताइए यहाँ पे, हैंड रेज करके आंसर देना कि ग्रीन हाउस गैसेस होना तो जरूरी है, राइट. अभी क्यों इतना लोग परेशान हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैस अभी क्यों कर रहे हैं? इनका होना जरूरी है, बट व्हाई पीपल आर नाउ सो मच कंसर्न अबाउट दैट? बताइए हैंड्स का किसका आंसर, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट?
सौरभ आप बताएंगे क्या रीजन है कि सब लोग इतना पैनिक हो रहे हैं आजकल? सर, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी जो लेयर होनी चाहिए आज के टाइम पे उसे 4 to 5 times ज्यादा हो गई है। राइट, एंड दैट इज अमेजिंग। अब उससे कंसर्न क्या हो रहा है सौरभ, उससे दिक्कत क्या आ गई है? सर, क्योंकि उससे टेम्परेचर राइज होगा। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है? सर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है वो ट्रैप कर लेती है हीट को। राइट, ये एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज आपके हीट को ट्रैप कर रही है, हद से ज्यादा हीट को ट्रैप कर रही है, और क्योंकि आपके यहाँ पे हद से ज्यादा हीट को यहाँ पे आपका ट्रैप किया जा रहा है, दैट इज अ कंसर्न, दैट इज अ मेजर कंसर्न ओवर हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग दैट देयर विल बी अ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब एक और चीज मैंने आपको ये पहले बताई थी, एक बार फिर बताऊंगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, तो याद रखना कि आपका 10 साल में, इन 10 years, और आई वुड से इट्स लाइक ये बहुत स्लो प्रोसेस है आपके यहाँ पे, so in 10 years we'll be finding, in 10 years you can find around increase in your 0.1 degree celsius, इतना temperature increase होता है 10 सालों के अंदर, इतना global temperature आपका increase होगा। लेकिन आपको idea नहीं कि even इतना temperature आपका fluctuate हो रहा है ना globally, तब भी वो काफी ज्यादा difference create करता है, right? और अभी concern यहाँ पे ये है, concern आपका यहाँ पे अभी के time पे ये है कि फिलहाल तो 10 साल में इतना ही बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा कि 5 साल के अंदर इतना बढ़ जाएगा, या 3 साल में अगर इतना बढ़ने लगा तो फिर तो और दिक्कत आ जाएगी। एंड समझिए, दिक्कत सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने से आपके प्लांट का ग्रोथ कम हो जाएगा, आपके जो क्रॉप्स है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, या आपके क्रॉप्स वाले एरिया के अंदर यू विल गेट टू सी लाइक मेनी इश्यूज विल बी डेवलपिंग ओवर देयर, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स कैन हैव अ इंपैक्ट। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसे एक बार आप सुनना थोड़ा, लाइक व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ध्यान से सुनना और थोड़ा ध्यान देना, समझ जाओगे आप लोग, आप लोग काफी वैसे भी तेज हो, आप समझ जाओगे, ध्यान से सुनना। सी, इक्वेटर कहां पे होता है? इक्वेटर कहां पे होता है अर्थ पे? अरे क्या हो गया आप लोगों को, इतना ज्योग्राफी मालूम होना चाहिए, इक्वेटर कहां होगा? सेंटर पे होगा ना, सेंटर में आपका रहता है इक्वेटर, this is going to be the equator over here। अब एक बात आप यहाँ पे सुनिए ध्यान से, क्या होता है यहाँ पे, इक्वेटर के पास जो भी कंट्रीज होती है वहां पे आपका टेम्परेचर नॉर्मली ज्यादा रहता है, मतलब टेम्परेचर ओवरऑल देखा जाए तो इक्वेटर के पास की कंट्रीज, हम लोग भी इक्वेटर के पास ही आते हैं, राइट? सो वी आर ऑल ट्रॉपिकल कंट्रीज, अगर आपको याद हो आपने ये पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, दिस इज माय ट्रॉपिकल बेल्ट, ये जो है मेरा यहाँ पे दिस इज माय ट्रॉपिकल बेल्ट, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, याद रखना ये, दिस इज गोइंग टू बी द बेल्ट। हाँ जी सर, इंटरनेट पे भी देखा, ये मेरा इंटरनेट पे भी देखा है, बहुत बढ़िया, दिस इज माय ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर नॉर्मली यहाँ पे आपका रहता है ज्यादा। अब कभी आप नोटिस करना, कोई भी आप बीमारी जो वर्ल्ड में हुई है ना, कोई भी आपकी लीथल बीमारी जो डेडली होती है, कोरोना वायरस वो तो आपने सुना ही है नाम, आपने एक और नाम सुना होगा समथिंग लाइक योर इबोला, एक और नाम आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या कहीं पे देखा होगा, पढ़ा होगा इबोला वायरस, ये भी आपका काफी डेडली वायरस होता है, राइट? फिर एक आपका हुआ था बीच में आपका सार्स करके आया था, यस सर, सार्स करके एक और कंडीशन आपकी आई थी, राइट? ये भी आपका डेडली कंडीशन थी आपकी, राइट? एक और आपका वायरस आया था बीच में जो काफी डेडली था, दैट वाज माय निफा वायरस, राइट? इवन अगर देखा जाए तो एचआईवी का जो ओरिजिन होता है ना, एचआईवी जो ओरिजिन हुआ है, ये जितने भी वायरस है, ये जितने भी नई बीमारियां होती है ना, आपको भी नोटिस करना, ट्रॉपिकल बेल्ट से आती है, आपको भी नोटिस करना, ये जितनी बीमारी आपकी होती है ना, आप किसका भी ओरिजिन आप देख लो, किसका भी आप ओरिजिन उठा के आप देख लो, इन सबका, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी की सारी, बट मेजोरिटी ऑफ देम, 10 में से 7 जो आपकी जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो ओरिजिन होते हैं, वो सारे आपके ओरे होते हैं फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता होगा? Can you tell me why that is the case? Anyone? मैं आपको बताता हूँ। ट्रॉपिकल बेल्ट पे आपका टेम्परेचर जनरली आपका रहता है गर्म। ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर आपका टेम्परेचर जनरली आपका गर्म रहता है। ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर आपके यहाँ पे गर्म रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस हैबिटेट के अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया काफी हैप्पीली ग्रो करते हैं। वायरसेस और बैक्टीरिया काफी हैप्पीली आपके ग्रो करते हैं, और इसलिए इनकी डाइवर्सिटी मुझे यहाँ पे ज्यादा मिलती है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, यस सर।
कभी भी आप नोटिस करना, कोई भी नई बीमारी अगर आ रही हो तो आप नोटिस करना, इट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट। सार्स आपका आया था चाइना के पीछे ही, ताइवान या मलेशिया एरिया से आया था। कोरोना वायरस भी आपका उसी एरिया में से आया था। ई बोला आपका अफ्रीकन कंट्री से आया था, ई बोला आपके अफ्रीकन कंट्री में आपको मिला था, वो भी आपका ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। सेम थिंग गोज फॉर निफा वायरस, वो भी आपका अफ्रीकन कंट्री में आपको पहले देखा गया था, अगेन ट्रॉपिकल बेल्ट। तो वहां पे क्यों आ रहा है, बिकॉज याद रखना ट्रॉपिकल बेल्ट में आपका टेम्परेचर जो होता है ना, एवरेज टेम्परेचर जो थोड़ा गर्म होता है, इट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर ऑल द वायरसेस एंड द बैक्टीरिया, और इसलिए यहाँ पे इनकी डायवर्सिटी ज्यादा मिलती है और यहाँ पे इन सबका पॉपुलेशन ज्यादा होता है। अब आप सोचो अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ, अभी तो इतना ही एरिया जो इतना गर्म है, राइट, अगर आज से 40 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग और थोड़ा आपका बढ़ जाता है, तो ये जो एरिया होगा ना जो मैंने यहाँ पे ग्रीन पे मार्क किया हुआ है, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर आपका हो रहा है, देन ओवरऑल ये जो एरिया है आपका ट्रॉपिकल बेल्ट का जहां पे गर्मी रहती थी, वो भी आपका इंक्रीज होगा। अब आप सोचो अगर ये यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये एरिया गर्म होने वाला जो एरिया है मेरा, अगर ये मेरा इंक्रीज होगा, तो मेरे जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, उनके लिए भी एरिया बढ़ जाएगा रहने के लिए। समझ आ रहा है? नाउ दे विल ऑल्सो हैव अ मच मोर सर्वाइव एंड ग्रो ओवर देयर। तो आपकी कई सारी नई बीमारियां आपके सामने आ सकती है, कई सारे नए पैथोजेंस आप डिस्कवर करेंगे टाइम के साथ साथ, बिकॉज अपेरेंटली अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इसके वजह से कई सारे पैथोजेंस को एक बढ़िया एनवायरमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए, थ्राइव करने के लिए। तो ये बात भी आप यहाँ पे समझिए, क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस यस सर। राइट, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप ये समझिए इस बात को, कि जितना आपका वार्मिंग होगा मोर एरिया सच काइंड ऑफ वायरसेस विल गेट टू एक्सप्लोर एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ हार्मफुल थिंग, राइट। तो ये बात आप यहाँ पे रखते हैं। एक और इसमें बात है बट मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, किसी और दिन डिस्कस करूंगा, विच यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपका वायरस या बैक्टीरिया एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज पे जंप करता है, राइट, और वो क्यों जंप करता है। और अगर एक वायरस एक एनिमल से दूसरे स्पीशीज पे अगर जंप कर रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन बाद में, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे याद रखना। सो यहाँ पे बेसिकली बेटा आपका यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। सो दिस वेयर योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड फाइनली। सो प्लीज गो टू द एनसीईआरटी वंस और देखिए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, कोई अगर कंसर्न वाली बात है तो मुझे बताइए। बाकी यहाँ पे आपका होगा चैप्टर खत्म। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम करेंगे हमारे यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज समथिंग वी विल डू, ठीक है। सो भी हम लाइक करेंगे, आराम से करेंगे चैप्टर को, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट इन 6 to 7 लेक्चर में, सभी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके पास